तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, जो हमें हेल्प करता है ओशनोग्राफी में, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने बात करी थी पहले टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी की, वैसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें तो ये जो थ्योरी हमारे पास दी गई, ये थ्योरी दी गई 1960 में बाय हैरी हैश, ठीक है। तो अब इन्होंने जब इस थ्योरी को डिफाइन किया तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यूज किया सोनार सिस्टम को, ठीक है। एंड जिसके थ्रू, अब सोनार सिस्टम के थ्रू इन्होंने क्या किया, मैपिंग की, किसकी मैप किया, ओशियन फ्लोर को। जैसे हमारे पास कॉन्टिनेंटल फ्लोर है वैसे ही ओशियन फ्लोर है, तो उसकी मैपिंग करी। एंड वहां पे इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने डिस्कवर किया मिड अटलांटिक रिज को, मिड अटलांटिक रिज को इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, राइट। अब अगर मैं बात करूं मिड अटलांटिक रिज, और यहीं पे हम फिर बात करेंगे वी कैन से कि मिड ओशनिक रिज, ठीक है, इसी पे आएंगे। अब मिड ओशनिक रिज की बात कर रहे हैं कि ओशन के बीच में एक रिज आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बिल्कुल मिडल पार्ट में। अब इस मिड ओशनिक रिज को हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, चेन ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो इसके बारे में हम डील करेंगे, क्लियर। जी सर, मिड अटलांटिक रिज और मिड ओशियन रिज भी इसी को बोलते हैं, क्लियर बात। अब देखो, जब ये हैस भाई साहब ने सुनार सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जब ये क्या कर रहे थे, सुनार सिस्टम के थ्रू मैपिंग कर रहे थे ओशियन फ्लोर की, देन ही आल्सो फाउंड दैट कि ये जो आपके पास क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा मिड ओशनिक रिज में, ये जो आपके पास मिड ओशनिक रिज है और मिड अटलांटिक रिज भी कैन से, अटलांटिक बोल लो चाहे ओशनिक रिज बोल लो, यहां पे क्या होगा, इसमें जो टेम्परेचर होगा वो क्या है, वार्मर टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सरफेस, जो सरफेस अवे फ्रॉम इट, मतलब ओशियन के अंदर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा एज कंपेयर टू सरफेस जो है, इसके सराउंडिंग जो इससे दूर जो सरफेस है वहां पे क्या होगा, वो टेम्परेचर जो होगा कम होगा, राइट। अब देखो इसने यहां पे क्या बोला, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें ओशियन के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है और सरफेस पे जो है टेम्परेचर कम है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो यहां पे जब इस थ्योरी को इन्होंने जस्टिफाई किया, देन ही सेड कि ये जो आपके पास मिड अटलांटिक रिज में जो हाई टेम्परेचर है एज कंपेयर टू द सरफेस, वो किसकी वजह से है, वो है आपके पास बिकॉज ऑफ द जो यहाँ पे मैग्मा, जो क्या होता है मैग्मा जो है वो फ्लो आउट होता है, जो मैग्मा बाहर आता रहता है, ठीक है, जो मैग्मा फ्लो करता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे, मतलब ये फ्लो आउट करेगा किससे, इस रिज से, अटलांटिक रिज से, ओशियन से, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे इसका जो है आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, राइट। जी तो यहां पे देखो जो हमने बात करी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को की, जिसको दिया गया था बाय अल्फर्ड वैगनर ने इन 1912 में, तो 1912 की इस हाइपोथेसिस को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को और थ्योरी को, इसको भी सपोर्ट किया किसने, ये हमारे पास जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस है और थ्योरी जो है, दैट मींस हेस ने इस थ्योरी को भी सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी कि यहां पे क्या होते हैं कॉन्टिनेंटल जो है वो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं अपनी प्लेसेस से। दैट मींस हमने यहां पे क्या करी थी बात, शिफ्ट, जो यहां पे शिफ्ट ऑफ द पोजीशन जो होती है किसकी,
ऑफ अर्थ सरफेस की, राइट। तो ये बात हुई, ये बात क्लियर हुई जी। अब आओ इस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पे। अब यहां पे कन्वेक्शनल पैलियोमैग्नेटिज्म में बाद में आते हैं। अब देखो हमें ये, आप डायग्राम देखोगे ये दिख रहा होगा आपके पास, ये जो हमें एरो दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास करंट्स है, दिस वन, दिस, 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 दिस। अब दोनों में ना डिफरेंस देख रहा। अब यहां पे देखो कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है ये जनरली, ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करेंगे तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में मेनली हम बात करते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी की। अब ये जो आपके पास कन्वेक्शन करंट थ्योरी है ये आपके पास क्या है, बेसिस है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसका बेस है, वो आपके पास बेस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। अब ये क्या बोलता है, कन्वेक्शन करंट, देखा था आपने कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। अब देखो अब कन्वेक्शन, आर्थर होल्म्स ने क्या बोला, अब आर्थर होल्म्स थे, आर्थर होल्म्स इनकी बात करते हैं। कन्वेक्शन करंट थ्योरी की बात करते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब ये थ्योरी किसने दी हमारे पास, इस थ्योरी को दिया गया बाय द आर्थर होल्म्स इन 1930। अब आर्थर होल्म्स ने क्या बोला, बोला कि यहां पे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी किस चीज की है कि ये जो हमारे पास मेंटल है, जो अर्थ की जो लेयर है मेंटल, यहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास क्या एग्जिस्ट करते हैं, कन्वेक्शनल करंट एग्जिस्ट करता है। अब ये कन्वेक्शनल करंट एग्जिस्ट करता है किसकी वजह से, दैट मींस ये किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो आपके पास इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये कन्वेक्शनल करंट जो है वो जनरेट होते हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई, यस सर। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, बोला कि देखो इंटीरियर ऑफ अर्थ में बात करें तो ये जो मेंटल में जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द, अगर मैं बात करूं 100 से 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक, तो ये क्या करेंगे, अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये क्या करेंगे, हमारे पास हीट जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। तो अल्टीमेटली अब जब ये हीट जनरेट होगी तो ये हीट जो है अब ये पाथ जो है फाइंड आउट करेगी, मतलब इस हीट को क्या चाहिए, पाथ चाहिए, क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो जैसे ही इसको पाथ मिलेगा तो ये क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी अपने उस रीजन से, ठीक है। अब जैसे ये एस्केप करेगी और वी कैन से कि ये क्रस्ट की तरफ जब मूव करेगी और वी कैन से कि क्रस्ट में और लिथोस्फीयर में जब ये एंटर करेगी तो अल्टीमेटली ये यहां पे क्या फॉर्म कर देगी, इस वाले पोर्शन में फॉर्मेशन कर देगी किसकी, कन्वेक्शनल करंट की। बात क्लियर हुई, अब देखो अब यहां पे हम बात करते हैं कन्वेक्शनल करंट की। अब ये हो गए हमारे पास कन्वेक्शनल करंट जनरेट, ये जो हमें दिख रहे हैं एरोस। अब देखो यहां पे ये कन्वेक्शनल करंट जो है फ्लो कर रही है, इसका पाथ बता रहा है कि कन्वेक्शनल करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अब देखो यहां पे अगर हम देखें ना, इस केस में कन्वेक्शनल करंट जो है राइज कर रहा है दोनों केसेस में। अब कन्वेक्शनल करंट यहां से भी आया, ठीक है, मतलब एक पार्ट ये जा रहा है एक पार्ट ये जा रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट क्या कर रहा है आपके पास, राइज कर रहा है, आई एम राइट। अब जब ये राइज जब करेगा तो यहां से क्या होगा, इस पे देखो अब राइज जब करेगा तो यहां पे आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, रिजिस, दैट मींस ये क्या करेगा, यहां पे लिथोस्फीयर का और क्रस्ट का पार्ट जो है उसको अपलिफ्ट कर देगा,
मतलब हम ओशन की बात कर रहे हैं, तो ओशनिक क्रस्ट का पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। लिथोस्फियर का पार्ट जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, रिजिस फॉर्म होंगे। ये बात क्लियर हुई? मतलब जब कंडक्शन करंट जब फ्लो कर रहा है और जब राइजिंग लिम्स जो है मिलेंगे आके, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिथोस्फियर जो है उसका पार्ट जो है अप हो जाएगा, मतलब उसको जो है रेस कर देगा, तो उसको हम बोल देंगे यहाँ पे क्या बन गया, रिजिस बन गए। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें ओशियन में, तो ओशनिक रिजिस हो गई। ये बात क्लियर हुई कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये बात समझ में आई तुम दोनों को कि नहीं आई, ये बताओ। यस समझ आगी ना। तो यहाँ पे देखो इनको हम क्या बोल देते हैं, ओशनिक रिजिस जो है यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने वहां पे ना पहले हमने इससे पहले जो थ्योरी की थी जिसमें हमने किया था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, जब हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट जो है वो क्या करेंगी, या फिर देखो ओशनिक प्लेट होगी या फिर आपके पास कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, ड्रिफ्ट थ्योरी जब हमने की थी तो हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की थी या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की थी। तो इस केस में बताओ जरा कौन सी बाउंड्री लग रही है, या कौन सा, दैट मींस कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म तो होगा नहीं, ट्रांसफॉर्म में कोई चेंजेस, दैट मींस चेंजेस नहीं होती वहां पे, नो न्यू क्रस्ट नहीं फॉर्म होती है। बट यहाँ पे जो हो रहा है हमारे पास क्रस्ट में लिथोस्फियर में चेंजेस हो रही है, या तो लिथोस्फियर क्रिएट हो रही है या फिर लिथोस्फियर जो है डिमोलिश हो रही है। तो यहाँ पे बताओ कन्वर्जेंस दो ही प्रोसेसेस होंगी, या तो यहाँ पे कन्वर्जेंस होगी या फिर डाइवर्जेंस होगी। तो क्या होगा इस केस में, जल्दी से डाइवर्जेंस। सीमा बोल रही है डाइवर्जेंस। साहिल क्या लगता है क्या होगा? डाइवर्जेंस। हाँ तो यार ना इस केस में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, राइट। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट जो है वो क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है। अब यहीं पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो फॉलिंग लिम्स थी कन्वेक्शनल करंट की, अब वो क्या कर रही है, मीट कर रही है। जब फॉलिंग लिम्स मिलती हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ट्रेंच फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मारियाना ट्रेंच, तो यहाँ पे याद रखना, ये बात भी याद रखना कि जब कन्वेक्शनल करंट की फॉलिंग रिम्स होंगी तो उस टाइम पे हमारे पास ट्रेंचेस फॉर्म होती है, जब आपके पास रेजिंग लिम्स होंगी तो उस टाइम पे रिजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फॉलिंग के केस में जब फॉलिंग लिम्स आपके पास आके मिलेंगी तो हमारे पास, या इस केस में क्या होगा, आपके पास कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंस होगी किसकी, ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स की और टेक्टोनिक प्लेट्स की, राइट। बात क्लियर? हाँ जी सर। यस सर। तो हमने पहले भी बात करी थी कि ये जो मूवमेंट जो होती है किसकी, लिथोस्फेरिक प्लेट की, ये जो मूवमेंट जो होती है लिथोस्फेरिक प्लेट की, ये किसकी वजह से होती है, जो आपके पास मैग्मा की मूवमेंट होती है, कहां पे, इन द मेंटल में। हमने पहले बात करी थी कि लिथोस्फीयर, हमें ये लगता है कि ये जो हमारे पास एस्थिनोस्फीयर पे क्या करता है, ये जो आपके पास हमारे पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये क्या करती है, मूव करती है या फिर फ्लो करती है, फ्लोट करती है। ये हमने पहले भी बात करी थी लास्ट लेक्चर में। ये बात क्लियर हुई? चलो अब चलते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। अब पैलियो मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो पैलियो मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये भी आपके पास स्टडी है। स्टडी किसकी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्या, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, पैलियो जो होता है, ये इस वर्ड का मतलब ही होता है रॉक्स,
मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, कोई भी रोटेटिंग बॉडी होती है तो अल्टीमेटली उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी होगी। अब देखो हम बात करें, ये हमारी अर्थ है, तो ये अगर हमारी अर्थ हुई तो अर्थ में देखो हमारे पास दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। इसको हम पॉजिटिव पोलैरिटी लेके चलते हैं, इसको नेगेटिव पोलैरिटी लेके चलते हैं, राइट। तो अब इस पे भी आएंगे। अब देखो यहां पे अगर बात करें तो ये जो रिकॉर्ड करते हैं हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी की वजह से। अब यहां पे क्या होगा, हम किसकी हेल्प लेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड्स पैलियो मैग्नेटिज्म के लिए जब हम स्टडी करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे स्टडी करेंगे, यहां पे हम स्टडी करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास रिकॉर्ड हुई है कहां पे, रॉक्स में। हमारे पास रॉक्स में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स रिकॉर्ड हुई है इन सेडिमेंट्स, राइट, और आर्कियोलॉजिकल मटीरियल्स। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे बोला गया देखो पोलैरिटी का मतलब कि यहां पे हम क्या करेंगे, अब पोलैरिटी जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, पोलैरिटी मतलब देखो यहां पे दो पोल्स है हमारे पास, एक ऑपोजिट पोल्स है, ये दोनों एक अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिपेल करेगा, उसी को पोलैरिटी का वर्ड हम दे देंगे फिजिक्स में हम इसकी बात करते। तो यहां पे बोला कि पोलैरिटी जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की एंड उसकी, अब देखो यहां पे या तो मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, या फिर यहां पे क्या होगा, पोलैरिटी जो होगी वो रिवर्स पोलैरिटी होगी। पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब ये रहा, देखो हमारे पास नॉर्मल पोलैरिटी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, बट यहां पे क्या हो गया, रिवर्स होगी, नॉर्थ पोल से अब किसकी तरफ जा रहा है, साउथ पोल की तरफ जा रहा है, दैट मींस जो पहले हमारे पास पोलैरिटी थी वो बिल्कुल रिवर्स होगी, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब यहां पे सीधी सी बात बोली कि अब अर्थ की जो पोलैरिटी जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल की, मतलब एक होगा कि नॉर्मल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटी है एंड जो आपके पास रिवर्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी पोलैरिटी को हम क्या करेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। अब स्टडी किसकी वजह से करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमने रिकॉर्ड की है रॉक्स में। अब रॉक्स में देखो कैसे, अब ये जो रॉक्स होंगी डिफरेंट एजिस में भी फॉर्म होती है, कि कौन सी रॉक, हम मान लेते हैं कि एक 200 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुई है, तो एक हमारे पास 100 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुई है, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि जो 200 मिलियन ईयर्स एगो की पोलैरिटी जो हो वो डिफरेंट हो एज कंपेयर टू 100 मिलियन ईयर्स एगो की पोलैरिटी में। हो सकता है कि यहाँ इस केस में जो होगी नॉर्मल पोलैरिटी हो सकता है इस केस में रिवर्सल पोलैरिटी, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। वो कैसे हम डिफाइन करेंगे उस टाइम पे, स्टडी करेंगे डिफरेंट एजेस की रॉक्स को। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब देखो, अब हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास ओशियन है, ओशियंस में भी हमारे पास क्या मिलेंगी हमें, क्योंकि हमने क्या बोला, ये जो मिड अटलांटिक रिज है और मिड ओशनिक रिज जो है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स है। अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स है तो हमारे पास अल्टीमेटली ओशियन के अंडर भी हमें क्या मिलेंगी, रॉक्स मिलेंगी। अब जो रॉक जो फॉर्म्ड होती है अंडर वाटर, और वी कैन से ओशियन के अंदर वाटर के अंडर, तो ये मेनली किसकी वजह से होंगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से होती है। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होती है मेनली, यहाँ पे जो कंटेंट होगा, जो लावा जो होता है वो बेसिक लावा होता है, दैट मीन्स बेसिक लावा का मतलब यहाँ पे बसाल्टिक लावा हमें देखने को मिलेगा। तो रॉक्स जो होंगी वो आपके पास बसाल्टिक रॉक्स होंगी, दैट मीन्स बसाल्टिक रॉक्स का मतलब जब आपने वो लेक्चर देखा होगा वोल्केनिज्म का, तो उसमें मैंने एसिडिक एंड बेसिक लावा को डिफाइन किया हुआ है। बसाल्टिक रॉक्स मतलब यहाँ पे जो उस लावा में जो आपके पास सिलिका का कंटेंट होता है वो आपके पास लो कंटेंट ऑफ सिलिका होता है। वहीं पे आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है वो रिच होता है, राइट।
तो मेनली अगर पूछ लिया जाए कि मोस्ट ऑफ द जो ओशियन फ्लोर जो हमारे पास बनते हैं वो कौन सी रॉक से बनते हैं, तो वो बसाल्टिक रॉक हमें वहां पे मिलेंगी। ये बात क्लियर? यस सर। अब देखो यहां पे एक और बात याद रखना, अब जब ये बसाल्टिक रॉक्स फॉर्म होंगी ना, जब ये बसाल्टिक रॉक्स फॉर्म होती हैं तो यहां पे क्या होगा, ये बसाल्टिक रॉक्स देखो वोल्केनोस की वजह से फॉर्म होगी। अब ये मैग्मा जो है सॉलिडिफाई होगा, अब ये सॉलिडिफाई होगा धीरे धीरे, यार मतलब टाइम तो लेगा। अब यहां पे बोला क्योंकि देखो बसाल्टिक रॉक्स में हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मटीरियल मिलेगा। अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली जब ये मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो ये जो बसाल्टिक रॉक्स जो है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये अपने आप को किसकी तरफ अलाइन करेगा, दैट मीन किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किस साइड पे ये मतलब कौन सी साइड पे जाएगा, जहां पे क्या होगा हमारे पास डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर रिवर्स पोलैरिटी होगी तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, अगर नॉर्मल पोलैरिटी होगी तो नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा। मतलब बसाल्टिक, इसका मतलब क्या है कि ये जो बसाल्टिक रॉक जो है मैग्नेटिक मटेरियल कंप्राइज करता है ना, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा जिस साइड पे जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट, उस साइड जाके जो है ये सॉलिडिफाई होगा। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो अब देखो यहां पे, तो अगर हम मैं बात करूं पैलियो मैग्नेटिज्म की, तो पैलियो मैग्नेटिज्म किसमें हेल्प करता है, इन द रिवाइवल ऑफ, इसने किसमें हेल्प करी, रिवाइवल ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और हाइपोथेसिस में, एंड इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी थी उसको ट्रांसफॉर्मेशन में, इवन इसकी जो हमने बात करी सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी ये जस्टिफाई करता है, अलोंग विद सी फ्लोर स्प्रेडिंग के साथ साथ जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसको भी ये जस्टिफाई करता है। तो मतलब पैलियो मैग्नेटिज्म हर किसी को जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, अब देखो अगर हम बात करें ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड जो है, एक बात और याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड जो है ये हमें और क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन किसकी, जो पास्ट लोकेशन थी टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो ये बात भी याद रखना, यूपीएससी एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ चुका है, पास्ट लोकेशन जो थी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट, तो उसमें भी ये हमें हेल्प करता है। क्लियर हुई बात? यस सर। तो ये था हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड आपके पास क्या हो गया, ये पैलियम मैग्नेटिज्म। क्लियर बात? यस सर। तो इसके नोट्स मैंने तुम्हें शेयर कर दिए हैं क्या पहले? नो सर, इसके नहीं किए शायद, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के किए। हाँ ठीक है, इसके कर देता हूँ, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें पैलियो मैग्नेटिज्म के बारे में पूछ लेगा या सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बेसिक है, बट इसी से अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे ही बेस्ड है पूरा ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी यही से स्टार्ट हो। क्लियर बात? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके नोट्स, अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के भेज दिए क्या?